कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अराइज होने से पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करना। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं हम मोस्टली वहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड एक आइडल मेथड है गुडविल को वैल्यूएट करने का, बेस्ट मेथड है गुडविल को वैल्यूएट करने का। तो मोस्टली हम सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं, और जब हम वहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम अगर हम सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करना रिक्वायर्ड है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक इंडस्ट्री में नॉर्मली सभी फर्म्स के द्वारा अर्न किया जाता है सेम कैपिटल से, तो वो प्रॉफिट होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, किस बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी गिवन होती है और कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होती हैं। बैलेंस शीट के नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते टाइम हम बैलेंस शीट में भी आइटम्स दी गई हैं उनका भी यूज़ करेंगे, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, और जो एडजस्टमेंट में आइटम्स दी गई हैं उनका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने के लिए इसमें एसेट साइड को चेक करेंगे बैलेंस शीट की। तो एसेट साइड से हम किन आइटम्स को इंक्लूड करेंगे? All the fixed and the current assets should be added. जितनी भी बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स्ड और करंट एसेट दी गई हैं उन सब को हम ऐड करेंगे, बट उनको किस प्राइस पर ऐड करेंगे? उनके करंट प्राइस पर या फिर उनके मार्केट प्राइस पर उन आइटम्स को हम ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एडजस्टमेंट में उनका मार्केट प्राइस दिया गया है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का, करंट एसेट्स का, कोई भी मार्केट प्राइस या फिर करंट प्राइस दिया गया है इनका, तो हम एडजस्टमेंट में से उस प्राइस को लेंगे। और अगर बैलेंस शीट में भी कहीं पर भी उनका करंट प्राइस शो किया गया है या फिर मार्केट प्राइस शो किया गया है तो हम उसी के बेसिस पर फिक्स्ड और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे। बट अगर वहां पर उनका मार्केट या फिर करंट प्राइस शो ना किया गया हो तो जो भी बैलेंस शीट में उनका प्राइस दिया गया है हम उसी के बेसिस पर लेंगे। तो इनके अंदर हमने फिक्स्ड और करंट एसेट्स को तो ऐड कर लिया। अब इन एसेट्स के अंदर तीन आइटम्स ऐसी हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी, तो वो तीन आइटम कौन सी हैं? उनमें से फर्स्ट है फिक्टीसियस एसेट्स। फिक्टीसियस एसेट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। फिक्टीसियस एसेट्स को हम इन एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिक्टीसियस एसेट फर्स्ट है शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो ये सब आइटम्स हमारी फिक्टीसियस एसेट्स के अंदर आती हैं, तो पहले हम इनको भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे जो हमने फिक्स्ड और करंट एसेट्स को ऐड किया है। अब इसी के अंदर सेकंड आइटम आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एसेट्स बिकॉज दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट इनसाइड द बिजनेस और दूसरी हो सकती है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमें इनसाइड द बिजनेस की है करी है, मींस बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। बट कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करनी? जो हमने आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करी है अमाउंट, वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इनसाइड इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमने किसी प्लांट के ऊपर रिपेयर करवानी थी, कोई वहां पर कोई अमाउंट खर्च कर दी, तो वो इनसाइड दी बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी। किसी बिल्डिंग की रिपेयर पे कोई अमाउंट खर्च कर दी तो वो भी इनसाइड इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो इसके अंदर इंक्लूड करी जाएगी। बट कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगी? जो आउटसाइड दी बिजनेस है। तो इनका एग्जांपल है जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देना, किसी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, या फिर कोई और जगह पर कहीं भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी बट वो बिजनेस से आउटसाइड है, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। अब थर्ड इसके अंदर आइटम इंक्लूड नहीं होगी वो है गुडविल। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट शुड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। जो भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शो की गई है वो हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से हमने कौन सी आइटम ली? फिक्स्ड और करंट एसेट्स को इंक्लूड किया मार्केट प्राइस पर,
बट फिक्टीसियस एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड दी बिजनेस को और गुडविल को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सभी आइटम्स को ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास एसेट साइड का टोटल आया उसमें से हम कुछ लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। वो लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? बैलेंस शीट के अंदर जो भी लाइबिलिटी ड्यू टू आउटसाइड पार्टीज़ हैं उनको हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन प्रोविज़न। तो इस टाइप की जो ये भी लाइबिलिटीज़ दी गई होंगी उन्हें हम एसेट्स में से माइनस कर देंगे। जो हमारा इन सब एसेट्स को कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आई उनमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो ये जो मेथड है ये है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का। इसके बेसिस पर भी हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है वो माना जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट करना। जब गुडविल कैलकुलेट की जाती है तो कुछ अकाउंटेंट ऐसे होते हैं जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, बट मोस्टली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फेयरली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमने कैपिटल थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्ट करी है उसकी फेयरली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए मोस्टली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ किया जाता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने से पहले हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना होगा, जो यही सेम मेथड है। इसी सेम मेथड से हम पहले नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो ये दो मेथड हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के, ये डिपेंड करेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जो भी हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी गई है उसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट है इसके अंदर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग और कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड दोनों गिवन है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का, और अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग गिवन नहीं है तो हम इस दूसरे वाले मेथड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग और एट द एंड दोनों गिवन है तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एट द एंड वाली कैपिटल एम्प्लॉयड और एट द बिगनिंग वाली कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे टू से। तो ये हो गया अगर हमारे पास बिगनिंग और एंड दोनों की गिवन है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेकंड है इसके अंदर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग गिवन नहीं है बट एंड की हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर नहीं है तो ये तो कैलकुलेट करी जा सकती है हमारी जो एडजस्टमेंट या बैलेंस शीट के बेसिस पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर बिगनिंग की उसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। एंड वाली जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से हम हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब जो ये हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट हमने माइनस किया है, ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पर करना है? जितनी भी एडजस्टमेंट करनी हो इससे रिलेटेड वो सभी माइनस प्लस माइनस करने के बाद और जो भी टैक्स है वो डिडक्ट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल करंट ईयर प्रॉफिट, उसका हाफ माइनस करेंगे हम, तब जाके हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो आई थिंक यहाँ से आपका थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का।